हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग चैनल पे। तो आज यहाँ का मौसम हमारा बहुत ही रेनी है। दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा आज पकौड़ी बनाए। तो आप लोगों ने बहुत सारे पकौड़े तो देखे होंगे, पकौड़े की रेसिपी, बट आज मैं बनाऊंगी एक साग की रेसिपी। वो है, हमारे बंगाली में बोलते हैं उसे पुई साग, ओडिया में शायद पोई साग बोलते हैं, और दूसरे लैंग्वेज में मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी अभी, तो उसका पकौड़ी हम बनाएंगे। तो आज मैं रेसिपी नहीं बनाऊंगी, आज मेरी मम्मी बनाएगी। एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे भीगा में पानी हाथ करने के लिए मना किया है, तो आज पूरी रेसिपी मेरी मम्मी बनाएगी, मैं उनकी हेल्प कर दूँगी। तो आइए तोड़ते हैं पोई साग। ये है पोई साग, ये है, इसे पोई साग बोलते हैं, इसे स्पिनाच भी बोलते हैं, कुछ एक स्पिनाच बोलते हैं। ये साग की पकौड़ी हम बनाएंगे। ऐसे भीतर दिखते हैं तुल भी नहीं हंसते और काच। देखिए अच्छी तरह से देखिए, ये है पोई साग, इसे बोलते हैं पोई साग। ये देखिए, इसके ऐसे ऐसे मोटे मोटे डंडे होते हैं, ऐसे मोटे मोटे डंडे होते हैं, इसे पोई साग बोलते हैं। ये देखिए, ये क्लाइंबर्स टाइप होता है, और ये बहुत ही यूज़फुल भी होता है खाने में। विटामिन ए विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है, हीमोग्लोबिन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो हम इसका स्नैक्स बनाएंगे, पकौड़ी बनाएंगे, खाने में टेस्टी भी लगेगा और हम बॉडी के लिए अच्छा भी होगा। तो अब तो इतनी सारी पुई साग मम्मी ने तोड़ा है, अब इसे छोटे छोटे करके काट लेंगे, एकदम छोटे छोटे पीसेस करके काट लेंगे। इसे एकदम बारीक काट लेंगे, छोटा छोटा काट लेंगे, काटने के बाद धो लेंगे। आप इसे तोड़ने के बाद भी धो सकते हो, हम इसे काटने के बाद धो लेंगे। इसे छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। ये आज का मौसम देखिए, दो तीन दिन से बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, हमारे तालाब आधा फुल हो चुका है। देखिए पोई साग ज़्यादातर बंगाली लोग यूज़ करते हैं, बंगाली लोग ज़्यादा खाते हैं, इसकी बहुत सारी रेसिपी होती है, बहुत सारी, पर हम आज बनाएंगे इसके पकौड़े। इवनिंग स्नैक्स जैसा आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। प्रेग्नेंट लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर, सबके लिए ये बहुत यूज़फुल है ये पत्ते, तो एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब ये इसे काटना हो चुका है, अब इसे धो लेंगे अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें नमक और हल्दी डाल देंगे ताकि उसका पानी थोड़ा निकल जाए। इसमें थोड़ी सी नमक और हल्दी, ये है नमक, और हल्दी, ये दोनों को मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करके थोड़ी देर रख देंगे तो इसका पानी थोड़ा निकल जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढककर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि उसका पानी निकल आए। पानी निकल आने के बाद हम उसे थोड़ा सा पानी सबको स्ट्रेन कर देंगे, सबको निकाल देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स के तरफ। तो हमने सब कुछ अभी रेडी कर लिया है, तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको इंग्रेडिएंट्स, सारे इंग्रेडिएंट्स। तो ये है पोशाक जो हमने इसमें हल्दी और नमक देके मिक्स करके रखा है पानी निकलने के लिए। और हम लेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, लहसुन के 3-4 कलियाँ, कद्दूकस किया हुआ, और ये है प्याज, प्याज बारीक कटा हुआ प्याज, मैंने 2 प्याज लिया है। ये थोड़ी सी चीनी, ये मसाले ले लेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। ये मैंने 2 अंडे लिए हैं। ये है राइस पाउडर, चावल का पाउडर, और ये थोड़ी सी मैदा। तो अब हम ये पोई शाक को अच्छे से मिक्स करके उससे पानी निकाल लेंगे। ये हम अच्छे से मिक्स करके इसको, इससे जितना भी पानी निकला है उसे अच्छी तरह से पानी निकाल लेंगे। पानी निकाल लेने से वो गीलापन नहीं रहेगा तो हमारे पकोड़े बनाने में अच्छे रहेंगे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो इस तरह से हम इससे पानी निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से पानी निकाल लेंगे। तो ऐसे ही हम पूरे साग से पानी निकाल लेंगे। तो ये पूरा हमने पानी निकाल दिया है इसका। इसके बाद हम अंडे मिक्स करेंगे। ये मैंने 2 अंडा ले लिया है। इसमें अब हम मसाला मिक्स करेंगे। इसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, इन तीनों को इस अंडे में मिक्स कर देंगे। जिन लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग अंडा स्किप कर दीजिएगा और नॉर्मल आप डायरेक्ट मसाले को पोई शाक में मिक्स कर दीजिएगा और आप पानी से उसे मिक्स कीजिएगा। तो इस मसाले को आप अंडे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा अंडा मिक्स हो चुका है। अब हम साग में ये कटी हुई प्याज डालेंगे, बारीक कटी हुई प्याज। सारे प्याज हम डाल देंगे। मैंने 2 प्याज लिया है, देखिए बारीक काट दिया है। फिर लेंगे हम लहसुन, फिर लहसुन के बाद हम हरी मिर्च उसमें मिक्स कर देंगे। फिर सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। सब अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम राइस पाउडर मिक्स करेंगे।
तो आप धीरे धीरे राइस पाउडर मिक्स कीजिएगा, अपने अनुसार कितना लगेगा उस हिसाब से आप मिक्स कीजिएगा। जिस तरह आप बेसन मिक्स करते हो बस उसी तरह अब राइस पाउडर मिक्स कीजिएगा। ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं, अब उस तरह से देख के मिक्स कीजिएगा। मैंने 6 चम्मच राइस पाउडर मिक्स किया है, तो अगर मैंने 6 चम्मच मिक्स किया है तो उसमें मैं 2 चम्मच मैदा दूंगी। अगर आप 3 चम्मच राइस पाउडर मिक्स करोगे तो उसमें 1 चम्मच आप मैदा दे सकते हो, मतलब जितना आप राइस पाउडर दोगे उससे आधा मीन्स 10% आप मैदा दोगे। टेस्ट के लिए आप नमक दीजिएगा, पर नमक देख के, क्योंकि ऑलरेडी हमने पत्ते में नमक दिया था। ये हमने चीनी थोड़े से मिक्स किया है, थोड़ी सी टेस्ट में स्वीट सॉल्ट वो आएगा तो अच्छा लगेगा। अब हम इसमें मिक्स किया हुआ मसाला, मिक्स किया हुआ अंडा डाल देंगे। तो याद रखिएगा, जिन लोग वेज है, वेजिटेरियन है, वो लोग अंडा ना डालें। डायरेक्ट आप साग में मैदा और राइस पाउडर मिक्स करने के बाद उसमें आप धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर आप डाल दीजिएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा बैटर पूरा रेडी है। हमने टोटली पानी का यूज़ नहीं किया है। जो लोग वेज बनाएंगे वही लोग पानी का यूज़ करें, और नॉन वेज वाले, अगर आपका बैटर हार्ड हो रहा है तो आप उसमें अंडा और 1 अंडा ऐड कर सकते हैं, पर पानी मत डालिएगा। पानी डालने से पूरा ही बैटर पूरा गिल्ला गिल्ला हो जाएगा और आपका पकौड़ी बिल्कुल ही टेस्ट नहीं आएगा। तो हमने 2 अंडा लिया था, इतने से पोई साग में हमने 2 अंडा लिया था, उसी में ही हमारा बैटर पूरा मिक्सअप हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, याद रहे इसे हम शालो फ्राई करेंगे। तो अब हम कढ़ाई गैस पे बैठा देंगे, उसमें तेल डाल देंगे, थोड़ी देर गरम होने के बाद उसके बाद हम फ्राई करेंगे। मैंने तेल ऑलरेडी ऐड कर दिया है, रिफाइन ऑयल। शालो फ्राई करेंगे तो ज़्यादा तेल नहीं देंगे, इतना तेल देंगे कि हमारे पकौड़ी डूब सके। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम धीरे धीरे तेल में इसे डालेंगे। चिपका भी धीरे धीरे
ये ब्राउन होने तक हम फिर से फ्राई करेंगे। ब्राउन हो जाने से ये रहा हमारा पकौड़ी रेडी हो जाए। तो अब हमारे पकौड़े ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं, देखिए ब्राउन ब्राउन। ये हमारे पुई शाक के पकौड़े। ऐसे ही हम बाकी सब भी ऐसे ही तैयार कर लेंगे, बाकी सारे पकौड़े भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। इसे वैसे ही पलट लेंगे। तो ये हमारे बाकी पकौड़े रेडी हो चुके हैं, देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं हमारे टेस्टी कुरकुरे पुई शाक के पकौड़े। तो देखिए हमारे पुई शाक के पकौड़े सब रेडी है, और इसकी कुरकुरा कितना कुरकुरा हुआ है, देखिए ये देखिए आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़, ये देखिए बहुत ही कुरकुरा हुआ है ये। तो अब मैं टेस्ट करूँगी पकौड़े, दिखाती हूँ आपको, बहुत ही टेस्टी हुआ है सीरियसली, आप सबको एक बार ट्राई करना चाहिए। इसे आप इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हो, इसे चाय के साथ आप ट्राई कर सकते हो, या फिर नॉर्मल टोमेटो के चप के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो। सीरियसली आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छी टेस्ट हुई है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।